हेलो स्टूडेंट, आप जानते ही हैं कि आज हम लोग बात करेंगे ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, जो डिटेल स्टडी के लिए खासकर काक्रोच की बात करेंगे, जिसको हम बड़े प्यार से पेरिप्लेटा में कहते हैं। ओके, तो आप देखिए, हर बार देखा आपने नीट में एकदम फिक्स से एक तो आना ही आना है, हमेशा आता है। इसलिए ध्यान से देखिए, ये जो बताने जा रहे हैं उसको डिटेल आप स्टडी इस तरह करेंगे। देखिए, काक्रोच तो काफी स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं। ये जहां भी रहता है कि हर जगह देखिए, सबके घरों में मिलता है, हर जगह पाया जाता है। ये विदाउट टिकट यात्रा भी करता है। और ये देखिए इनकी क्या बात है, इनके लिए खासकर आप देखिए, इतना स्मार्ट है कि ये खुदा से भी बोलता है कि यार खुदा तूने कह दिया भाई, आंख तो दिया, कंपाउंड आई होती है, लेकिन इसके आई से ये जो है देखा आपने, मोजेक विजन बनता है। और इस तरह से आपने देखा कि ये नॉक्टर्नल भी है, ओमनिवोरस भी है, और खाना खाने के साथ साथ ये स्कैवेंजर है, मीन सफाई भी करता है। जैसे किचन में पहुंचा तो जो भी किचन में होता है उसकी सफाई भी करता है। तो ये काफी स्मार्ट, काफी सेफ स्टाइलिंग के साथ आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट साइड ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन बनेगा काक्रोच उनके लिए। फर्स्ट पॉइंट ये देखिए काक्रोच, ये देखिए ये है काक्रोच, क्या लिखोगे, काक्रोच। काक्रोच जिसको देखा आपने, इसका जो है लॉजिकल जो नेम होता है ये बताया था पेरिप्लेटा। क्या बोला, पेरिप्लेनेटा अमेरिका। क्या होता भाई, पेरिप्लेनेटा अमेरिका। देखिए इसका जो नाम बताया पेरिप्लेटा, ये जीनस, ये क्या है, स्पीसी है। और ये कॉकरोच की मोस्ट कॉमनेस्ट और लेटेस्ट जो स्पीसी किया जाए, ये दोनों की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट, ये क्या है, कॉमनेस्ट या लेटेस्ट स्टडी इसको बोलते हैं। ये कॉमनेस्ट एंड लेटेस्ट, ये इसकी स्पीसी, यानी काक्रोच की स्पीसी है, जिसमें तीन स्पीसी इंडिया में होती है, पेरिप्लेटा अमेरिकाना, ब्लाटा देखा हमें, ब्लाटीला जर्मिनिका। ब्लाटा जर्मिनिका की बात करें, ब्लाटीला जर्मिनिका भी है, ब्लाटा ओरिएंटलिस भी है, ये सब है। लेकिन डिटेल स्टडी है मोस्ट कॉमन एंड लेटेस्ट स्पीसी, दैट इज पेरिप्लेटा अमेरिका। इनके लिए कुछ देखिए जनरल चीजें, जैसा कि आपने देखा जब इसका सिस्टमेटिक पोजिशन यानी क्लासिफिकेशन की बात करें, ये है क्लासिफिकेशन, जिसको कभी भी देखा होगा सबसे पहले फर्स्ट जो आता है लार्जेस्ट, जिसका नाम बता रहे थे क्या है, किंगडम, ये है मेन पॉइंट, फाइलम, ये है क्लास, ऑर्डर, और ये जीनस, और ये क्या है, क्लियर है। तो ये देखिए सबसे पहले जो नाम देख रहे हैं, ये किंगडम एनिमल है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया, यानी एनिमल है तो इसका नाम बताया एनिमेलिया। और फाइलम, ये किस फाइलम का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा, ये है आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा है जिसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये क्लास देखिए इंसेक्टा, ये लार्जेस्ट क्लास ये है इंसेक्टा, या इसको हेक्सापोडा बोलते हैं। ये आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार इसको बोले लार्जेस्ट क्लास की बात किया, तो ये इंसेक्टा है जिसको हम हेक्सापोडा बोलते हैं। क्या है, हेक्सापोडा, थ्री पेयर लेग्स होते हैं। ये ऑर्डर देखिए इसका, आर्थो पटेरा यानी विंग्स, जीनस देखिए नाम से भी लग रहा है पेरिप्लेनेटा, देखा आपने, ये है पेरिप्लेटा, ये है पेरी प्लेनेटा, स्पीसी क्या है, अमेरिका। तो पेरिप्लेटा अमेरिकाना ये मोस्ट कॉमनेस्ट स्पीसी, जबकि हमने बताया था कि ये पेरिप्लेटा जो टर्म है, एक बार मिस्टर साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया, ये बता रहे थे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, रिटर्न क्या है, पेरिप्लेनेटा, ये नाम बता रहे पेरिप्लेनेटा, टर्म गिवन बाय
साइंटिस्ट का नाम देखें, ये लिखा है ऑर्गनिस्ट। कौन साइंटिस्ट थे? और मिस्टर साइंटिस्ट ने फेरिक्रेटा टर्म दिया। क्या दिया भाई? फेरिक्रेटा टर्म। आप देखिए यहां पे जो नाम बताए, इंडिया हैज थ्री स्पीसीज इंडिया में थ्री स्पीसी है जिसमें नाम बता रहे थे। फर्स्ट ये था पेरिक्लेनेटा, ये क्या है? अमेरिका। फर्स्ट स्पीसी पेरिक्लेनेटा अमेरिकाना। सेकेंड स्पीसी ब्लाटा ओरिएंटालिस, ब्लाटा ओरिएंटालिस। थर्ड ब्लाटिया जर्मेनिका। क्या नाम बता भाई? ब्लाटिया जर्मेनिका। तो तीन स्पीसी है जिसमें मोस्ट कॉमनेस स्पीसी ये पेरिक्लेनेटा, जिसका हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये देखा आपने, बर्मिस्टर की बात कर रहे थे, बाकी तो ये दोनों देखा। ये इसी की स्पीसी है, ये रेयरेस्ट है, इसमें विंग्स भी बेटर नहीं होता है। अब देखिए इसके जो कॉमन फीचर है, हैबिट है, हैबिटेट है, उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी जो हैबिट, अब देखिए हैबिट है, ये इतने स्मार्ट भी है। ये काकरोच क्या होता है भाई? इसके लिए आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में होता है ये, मोस्टली जो एवरेज लेंथ की बात किया जाए तो 3 इंचेस या 0.6 to 7.6 के आसपास होता है। लेकिन ये जनरली काकरोच के डार्क ब्राउन कलर का होता है, हर जगह पाया जाता है, यानी कि सबके घरों में पाया जाता है। और ये ऐसा देखा जाए तो हार्मफुल पेस्ट है, ये केवल डिजीज जो है स्प्रेड करता है। लेकिन इनका जो फेवरेट कुछ प्लेस है जिसके अलावा का सेफ साइज कलर कैसा होता है, ये इसके बारे में हैबिट देखिए। ये क्या है? फर्स्ट हैबिट क्या है? ये तो नॉक्टर्नल, ये रात में ही निकलता है किचन में और किचन सफाई भी करता है, बाकी तो आप जानते ही इनका फेवरेट प्लेस। तो इट इज नॉक्टर्नल। क्या है ये? नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोरस। नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोरस है। और इसके साथ हमने बताया था ये क्या होता भाई? स्कैवेंजर। स्कैवेंजरस यानी खाने के साथ क्या करता है? सफाई करता है। तो इसके तो ये ओमनी सर्वहारी भी, रात्रि भी, नॉक्टर्न भी निकलता है, स्कैवेंजर भी है। और साथ में एक हैबिट हमने बताया था फसोरियल। ये फसोरियल हैबिट होती है जिसको हम, कौन सा हैबिट है? रनिंग, यानी गुड रनर है, पुअर फ्लाइटर। ये दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। डेंजरस जब कंडीशन है उसी समय ये जो है विंग्स का यूज करके कहीं ना कहीं स्केप कर जाता है, छिप जाता है। तो ये देखा नॉक्टर्नल भी है, ओमनीवोरस है, स्कैवेंजर्स भी, फसोरियल जिसको बोलते हैं। और ये हैबिट के साथ देखिए हमने बताया इसका जो हैबिटेड है, ये देखिए इसका जो फेवरेट प्लेस है, देखा हमने बताया था इट्स फेवरेट प्लेस। और फेवरेट प्लेस जैसे कि नाम हमने बताया था, बाकी 5-star होटल हर जगह पाया था, रेस्टोरेंट। लेकिन इसके लिए देखा DWD, सब लोग PWD में काम करते थे, किस पर करता है? TWD। ये PWD का DWD क्या है कि ये डार्क है, ये वार्म है, और डी से क्या है? डैम्प। ये डैम्प इसका फेवरेट प्लेस, ये डार्क वार्म और डैम्प प्लेसेस पे होता है। और इसके अलावा आपने देखा इनका जो है सेफ साइज, जो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आप देख ही रहे कि यहां पर क्या है, ये मॉर्फोलॉजी में एक नाम बता रही है, शेप भी है, साइज भी है, कलर भी है। तो ये जनरल पेरिक्लेनेटा अमेरिकाना का जो शेप होता है ये कैसा होता है? इट इज डार्सो, इन डार्सल बेंटर दोनों तरफ फ्लैटेड होता है, डार्सो डार्सो वेंट्रली, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। यानी इसकी बात करें कि इट हैज क्या है?
डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इट हैज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है डार्सल वेंट्रल, क्योंकि डार्सल और प्लेट होता है, वेंट्रल प्लेट होता है लेटरल। ये देखिए साइज इसके जो, जैसे कि आपने देखा कि साइज अबाउट 34 to 53। ईयरमेम क्या होता है? लाल होता है। और इसका देखिए हमने बताया था एंड विंग्स एक्सटेंड एंड विंग एक्सटेंड बियॉन्ड दी टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल। टिप ऑफ एब्डोमेन मेल में है, विंग्स एक्सटेंड पीछे तक जो है स्प्रेड का फैला होता है। ये कलर देखिए इसके कलर कैसा होता है, एक्चुअली में ये जो प्रेडामेंट कलर है डार्क एंड ब्राउन, डार्क एंड ब्राउनिश कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन से भाई, किसके वजह से डार्क ब्राउन? मिलानिन पिगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलानिन पिगमेंट। ये मिलानिन पिगमेंट की वजह से ये डार्क ब्राउन कलर होता है। तो ये आपने देखा इसके लिए बार्कोलोजी की हैबिट एंड हैबिटेट की बात कर रहे थे। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि सेम साइज कलर भी है। और बाकी आप देखें इसको, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, बार्कोलोजी में देखिए यहां बताएं कि बॉडी ऑफ कॉकरोच बॉडी ऑफ कॉकरोचेस आर डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स, दैट इज फर्स्ट हेड, सेकेंड थोरैक्स, थर्ड एब्डोमेन। थोरैक्स और क्या है? एब्डोमेन। ये तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन। तो अभी आपने देखा कि कॉकरोच में इसका नेक भी होता है और इसको रिमूव कर दिया जाए वन वीक तक ये मूवमेंट कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो ये जो नाम बता रहे थे कॉकरोच की बॉडी मेनली डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, जिसका नाम आपने देखा हेड थोरैक्स एंड क्या है, हेड थोरैक्स है। अब देखिए इसमें जो नाम बता रहे हैं, फर्स्ट की हेड, जिनको इंसेफेलन बोलते हैं, और हेड है, और हेड किस तरह से होता है वो देखिए, क्या सिगमेंट है। एक्चुअली में देखिए हेड तो आप देख रहे हैं कि जो नाम बता रहे हैं इसको इंसेफेलन है, क्या नाम है, इंसेफेलन। और ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर ये कॉकरोच है तो इसका जो है ये क्या है, नेक, और इसकी बॉडी मान लिया कि इस तरह बॉडी, और इसके थोरैक्स के तीन पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ये देखिए थोरैक्स, ये भी थोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और ये आप देखें ये है एब्डोमेन। यानी ये जो बॉडी का पार्ट है ना, फर्स्ट क्या हो गया हेड, ये आपने देखा ये क्या है थोरैक्स, और ये जो पार्ट होता है ये क्या है एब्डोमेन। तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तो हेड थोरैक्स और एब्डोमेन। ये तो इसका नेक, और नेक को क्या बोलते हैं, सर्विकम। और ये क्या होता है भाई, आठ डायरेक्शन में क्या होता है, मोबाइल होता है।
और ये देखिए मोबाइल होता है, इसका गर्दन भी काट दो तो भी आप देखिए जिंदा भी रहता है एक सप्ताह तक। ये जीके में कई बार आ चुका है क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रोसेस होता है। और हेड के लिए जो भी नाम आपने देखा, ये इम्ब्रियोनिक स्टेज एडल्ट में अगर देख कितने सेगमेंट होते हैं, कैसा होता है इसका हेड, कैसा होता है टेल क्या होता है, लेकिन और बॉडी का जो हेड है वो किस पोजीशन पे होता है वो भी आप देखेंगे। पहले देखिए सेगमेंट, आप देखिए ये जो नाम बता रहे हेड में, एक सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन में नाम देखिए, सेगमेंटेशन में देखिए पहले बताया थ्री है जिसमें एक है इम्ब्रियोनिक स्टेज, इम्ब्रियोनिक स्टेज और एक आता है एडल्ट, दो स्टेज जिसमें देखिए इम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हेड होता है इसमें टोटल सिक्स सेगमेंट होते हैं, हेड में टोटल सेगमेंट। और ये जब एडल्ट होता है तो सिक्स सेगमेंट फ्यूज करके एक हेड कैप्सूल बनाता है, यानी ऑल सिक्स सेगमेंट फ्यूज टू फॉर ए हेड कैप्सूल, फ्यूज टू फॉर ए हेड कैप्सूल, फ्यूज करके एक हेड कैप्सूल बनाता है सिक्स सेगमेंट। और ये देखिए हमने बताया इसके बाद इसमें क्या होता है थोरेक्स, थोरेक्स में कितने सेगमेंट, थ्री सेगमेंट होते। और इसमें एब्डोमेन रीजन आता और एब्डोमेन में कितने 11 सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब ये एडल्ट होता है तो देखा सिक्स मिलके बनाया और ये थ्री सेगमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, थ्री सेगमेंट क्या होता है फिक्स होता है, थ्री सेगमेंट क्या होता है फिक्स होता है। ये 11 जो सेगमेंट है इसमें से 10 सेगमेंट ये बचते हैं जिसमें से एक लास्ट होता है, यानी लास्ट ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। इस तरह मेल हो या फीमेल हो दोनों में 10 सेगमेंट होते हैं। 10 में देखिए मेल और फीमेल में कि अभी देखा जब फीमेल में 7 स्टर्नम जो है ये डिस्टिंक्ट होता है, जबकि मेल में इसमें 9 स्टर्नम डिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखा आपने ये इम्ब्रियोनिक स्टेज है, यंग है जिसमें इस स्टेज को काकरोच के जो छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं नीम, न्यूमेरियर स्टेज है। और ये देखें इसको कोई चेंजिंग नहीं, तो ये नाम हमने बताया था इम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें देखिए अब आता है ये नाम होता है स्केलेटन, और ये स्केलेटन की बात करें ये आपने देखा मेनली टू टाइप ऑफ स्केलेटन, एक नाम सुना होगा एक्सो स्केलेटन और एक क्या होता है भाई एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसमें देखिए जो एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस होता है, किसका बना होता है भाई काइटिन का बना होता है, ये काइटिनस होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि यहां पर ये एक्सोस्केलेटन है मेनली मेड अप ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल का बना होता है जो यंग एसिटाइल पाली ग्लूकासामीन, पॉलीग्लुकोसामीन का डेरिवेटिव होता है। अभी जो नाम बता रहे थे कि यहां पर ये जो एक्सोस्केलेटन इसमें देखिए एक्सोस्केलेटन में ये काइटिनस है, काइटिन का बना होता है ये बॉडी, ये मान लिया एक्सटर्नल, ये देखिए ये लेटरस है, ये लेटरस है, ये बीच में क्या है विस्रा हिमोशील क्या होती है कैविटी, ये आपको बता रहे थे
कि ये डार्सल का लेटर से इस तरह मेम्ब्रेन है जो ज्वाइन करती है, एक दूसरे को ज्वाइन करती है, ये भी ज्वाइन कर रही है, ये भी ज्वाइन करती है। ये जो पार्ट होता है इसको डार्सल बोलते हैं, और ये क्या होता है भाई, वेंट्रल होता है, बॉडी का डार्सल, ये वेंट्रल, और ये है लेटर। क्या नाम बताए, लेटर। जो डार्सल होता है इसमें इस तरह से प्लेट होते हैं जो अटैचमेंट में काम करते हैं। इस डार्सल प्लेट का जो नाम होता है ये टर्गम, या क्या बोलते हैं, टर्जाइट, टर्गम या टर्जाइट, और इसी को मिला के स्केलेराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्केलेराइट्स। कैसे, फोर स्केलेराइट्स होते हैं इसके बॉडी में, और ये जो बताएंगे टर्गम टर्जाइट। लेटरल वाले जो प्लेट होते हैं इस तरह से, इसका नाम देखिए लेटरल वाले को क्या बोलते हैं, प्लूरान ऑब्लिक प्लूराइट, प्लूरान आर प्लूराइट इसको बोलते हैं। और जो वेंट्रल साइड में जो प्लेट इस तरह से लगे होते हैं, इस वेंट्रल का नाम ये विस्टर्नम, स्टर्नम आर स्टर्नाइट, स्टर्नम आप क्या है, स्टर्नाइट बोलते हैं। और इस तरह से आपने अभी देखा जो नाम बता रहे थे कि यहां पे जो डार्सल वेंट्रल को जोड़ती है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है। देखिए ये डार्सल वेंट्रल, ये मेम्ब्रेन है जिसका नाम ये है आर्थ्रोडियल, कौन सा मेम्ब्रेन है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या इसको हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन ये जोड़ने का काम करती है। तो ये देखिए कई बार भी आ चुका है, आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर है जो इसको जोड़ने का काम करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आर्थ्रोडियल, ये मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो जोड़ती है। अब ये डार्सल वेंट्रल जो देखा आपने, जब स्पैसम करता है तो आप रिलैक्स और जब कॉन्टेक्ट होता है तो इसमें ये हेल्प करती है ऊपर नीचे, और ये नाम जो बताते हैं हिमोसिल कैविटी, या इसको क्या बोलते हैं, विस्सा, ये है हिमोसिल, कौन सी कैविटी है, हिमोसिल कैविटी है या विस्सा। तो इस तरह से देखिए इसमें टोटल जो काइटिनस जो होता है इसके अंदर फोर स्केलेराइट्स होते हैं, और ये फोर जो स्केलेराइट्स होते हैं उसका नाम भी देखा कि ये स्केलेराइट्स का क्या क्या नाम होता है। देखिए फोर जो स्केलेराइट्स उसमें देखिए नाम बता रहे थे, इट हैज फोर स्केलेराइट्स, दैट इज फर्स्ट ए पॉइंट, डार्सल प्लेट आर कॉल्ड टर्गम आर टर्जाइट, एंड नेक्स्ट वेंट्रल प्लेट आर कॉल्ड स्टर्नम आर स्टर्नाइट, एंड लेटरल प्लेट आर कॉल्ड प्लूरान आर प्लूराइट। तो इसमें देखिए फोर स्केलेराइट्स होते हैं, जो देखिए डार्सल को टर्गम या टर्जाइट बोलते हैं, इसको टर्गा भी बोलते हैं, ये टर्गम है इसको टर्गा भी बोलते हैं, और इस तरह से देखिए प्लूरा है। तो ये बीच में जो मेम्ब्रेन है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल होती है इसी की वजह से डार्सल। और ये भी इंपॉर्टेंट रहा है कि ये देखा काइटिनस क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन होता है जो एक करेक्टर, और इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है एक्चुअली में इसको टेंटोरियम बोलते हैं, टेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है टेंटोरियम, यानी इट इज मेड अप ऑफ एपोडीम्स, मेड अप ऑफ एपोडीम्स, एंड नेक्स्ट इट इज टेंट लाइक, टेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसका नाम क्या होगा, टेंटोरियम। ये एंडोस्केलेटन का नाम इसमें होता है टेंटोरियम। एक्चुअली एक्टोडर्मा तो ये भी ओरिजिन होती है,
और इस तरह से आपने देखा टेंटोरियम टेंट लाइक होता है, एपोडिम से बना होता है अटैचमेंट, इसके एंडोस्केलेटन में एब्डोमेन नहीं होता है। तो ये नाम बता रहे थे स्केलेटन के लिए कि एक्टोडर्मल लोडिंग होती है, ये एक्सो और एंडोस्केलेटन है और इसमें ये काइटिनस होता है। ये देखिए मेम्ब्रेन की बात है, डार्सल प्लेट को टर्गम टर्जय, वेंट्रल को स्टर्नम स्टर्नाइट, लेटर को स्टर और यूरान या। तो ये बता रहे थे अभी इसमें कौन कौन से स्केलेटन होते हैं। तो इसमें आप देखिए डार्सल प्लेट को टर्गा या टर्जाइट, वेंट्रल को स्टर्नम या स्टर्नाइट, अब देखिए आप हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें हेड का जो डिटेल स्टडी है, इस हेड में देखिए क्या क्या होता है। ये देखिए हेड, ये 90 एंगल पे होता है, इसलिए इस कंडीशन का नाम देखा होगा हाइपोगैंथस पोजीशन, हाइपोगैंथस पोजीशन। और ये नाम जो बता रहे थे कि हाइपोगैंथस पोजीशन पे लगा होता है हमेशा 90 एंगल पे, ये घुमा भी होता है तो ये भी आपने देखा। और ये जो है इसका जो हेड होता है ये इस तरह से देखा इपिक्रेनियल सूचर, ये दोनों साइड में ये बता रहे थे ये कंपाउंड है, क्या होता है कंपाउंड आई, हीम शेप कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेटेरियल, और जहां से एंटीना ये राइज होते हैं उसको एंटीनल सॉकेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई एंटीनल सॉकेट। देखिए ये जो नाम बता रहे थे ये फ्रांस क्लाइपियस लेब्रम, इसको अपर लिप, और ये नाम जो बता रहे थे ये देखिए ये जो नाम बता रहे ये इपिक्रेनियल सूचर है, इपिक्रेनियल सूचर, और ये वाई शेप का होता है। ये हमने बताया ये एंटीना है मेनली डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, दैट इज स्केल पेडिसील एंड फ्लैजेलम, थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, ये है स्केप, ये है पेडिसील और ये है फ्लैजेलम, क्या है फ्लैजेलम, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एंड स्केप पेडिसील एंड फ्लैजेलम मेनली कंसिस्ट ऑफ देखा थ्री पार्ट दैट इज कॉल्ड एंटीना या एंटीनी। ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है, सेंसरी है, सेंसरी रिसेप्टर भी होता है एंटीना। ये वन पेयर एंटीना आपने देखा बीएस है, ये किधर भी होता है ये किधर भी होता है, ये एंटीनल सॉकेट है जहां से है एंटीनल सॉकेट, एंटीनल सॉकेट होता है जिसको हम बेसिक एंटीनल सॉकेट बोलते हैं, यहीं से ईच एंटीना अराइज फ्रॉम बेसी एंटीनल सॉकेट दैट इज देखा, यानी वन पेयर एंटीना ये सेंसरी रिसेप्टर का काम कर रहा है, क्या है सेंसरी रिसेप्टर होता है। और ये हमने बताया था कि ये हर डायरेक्शन में अन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इसको टैक्टाइल रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये जो नाम बता रहे थे ये
कि इन्वायरमेंटल एक्चुअली में देखा जाए तो मॉनिटरिंग का भी काम करता है, यानी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का भी काम ये कर रहा है, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ये देखा नेक्स्ट आइटम व्हाट ऑफ इंडिया, कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, ये देखा आपने एंटीना, वन एंटीना, इच एंटीना कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, स्कैप, पेडसिल एंड फेडिलम। और इस तरह से आपने देखा इच एंटीना एराइज फ्रॉम बेसी एंटीना सॉकेट। तो ये आपने देखा इसके हेड में वन पेयर एंटीना भी है जो सेंसर रिसेप्टर है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है। और ये जो नाम बता रहे थे कंपाउंड आई, ये ओमेटीडिया एक कंपाउंड आएगी, देखा आपने ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ओमेटीडिया होती है, ये है कंपाउंड आई। और वन पेयर इसमें कंपाउंड आई होती है, और ये बता रहे कंपाउंड आई की स्मॉलेस्ट जो यूनिट वो है ओमेटीडिया। ये क्या है ओमेटीडिया, और ये कंपाउंड आई में टोटल आते हैं, इस कंपाउंड है 2000 ओमेटीडिया। ओमेटीडिया इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। और ये कंपाउंड आई में जो ओमेटीडिया है इसमें इमेज जो बनता है ये देखा नॉक्टर्नल होते हुए भी इसमें मोजेक इमेज होता है, क्योंकि इसका जो कॉर्नियल शीथ होता है लेंस का वो मोर सेंसिटिव और लेस रिजोल्यूशन पावर होता है, और इसमें आप देख रहे इसकी वजह से इसमें मोजेक विजन होता है। एक्सेप्शन की बात है ये नॉक्टर्नल में ये विजन नहीं है, नॉक्टर्नल में ओवरलैपिंग होती है, ये डायनल में होता है जैसे हाउस प्लांट, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो इसका कॉर्नियल शीथ होता है मोर सेंसिटिव और लेस रिजोल्यूशन पावर की वजह से इसमें कैसा इमेज बन रहा है मोजेक। तो इस तरह एक कंपाउंड आई है, स्मॉलेस्ट यूनिट देखा आपने ओमेटीडिया, और इसमें वन पेयर क्या है एंटीना है, और इसका माउथ पार्ट है। तो देखिए आपने इसमें माउथ पार्ट भी है, देखिए माउथ पार्ट। सो फर्स्ट नाम होता है लेबरम, लेबियम, हाइपोफेरिक्स, लेबरम, लेबियम, हाइपोफेरिक्स, नेक्स्ट मैंडिबल्स और मैक्सिली, मैक्सिली या मैक्सिला। ये लेबरम देखा आपने लेबियम की ये एक अपर लिप है, और ये क्या है लोअर लिप है, और ये हाइपोफाइरिक्स जिसको क्या बोले ये टंग, इसका टंग है। मैंडिबल्स क्या करता है ये ग्राइंडिंग काम करता है, ये देखा आपने मैंडिबुलेट टाइप का माउथ, माउथ पार्ट एक्चुअली में इसका जो होता है ये कॉकरोच है, देखा आपने बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बायटिंग और ट्विंग टाइप का इसमें कॉकरोच माउथ पार्ट होता है। ये माउथ पार्ट देखिए इसमें टोटल फाइव होते हैं, जिसमें देखा लेबरम है एक अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, दोनों के बीच में जो होता है ये हाइपोफेरिक्स टंग होता है। मैंडिबल्स है जो ग्राइंडिंग है फूड को जो है छोटा करता है, ग्राइंड करता है, पिसता है, और एक मैक्सिली है जो इसमें होता है। तो ये माउथ पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये माउथ पार्ट के लिए कि फर्स्ट अगर मान लीजिए कि एक आपने बताया कि अगर लेबरम है तो ये बीच में क्या होता है इसमें टंग होता है, और ये टंग की बात करें ये हाइपोफायरिक्स है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये दोनों साइड में देखिए इस तरह से ये डेंटिस सेल होता है जिसका नाम आपने देखा क्या है मैंडिबल्स या मैंडिबल होता है। तो ये देखिए एक नाम बता रही ये लेबरम अपर लिप, ये क्या है मैंडिबल्स, मैंडिबल टाइप का ये इसका माउथ पार्ट भी होता है, ये डेंटिस सेल होते हैं, ये हाइपोफायरिक्स, ये हाइपोफायरिक्स जिसको टंग कहते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड है, और लास्ट देखा आपने ये जो नाम बता रहे थे
ये लेबियम, क्या है ये लेबियम, एक अपर लीफ और एक लोअर लीफ, ये क्या है मैंडिबल्स। तो ये हाइपोफायरिस की बात है, माउथ पार्ट होता है, दोनों साइड में इसमें ये मैक्सिली होता है, इस तरह से आपने देखा मैक्सिली है जो फर्दर जो है दोनों साइड में इधर भी लगा होता मैक्सिली, ये पार्ट होता है मैक्सिली का। तो ये नाम हमने बताया था कौन सा, मैक्सिला या मैक्सिली, ये दोनों साइड में फूड को इसे पकड़े रहते और अपर और लोअर लिप होता है, और फूड जब आता है तो इसे जो है ग्राइंडिंग करता है और टंग से सलाइवरी ग्लैंड निकलता है, जिससे सलाइवा में देखकर ये फूड जो है मिक्स हो जाता है और फिर बोलस के पार में अंदर जाके ये डाइजेशन होता है। तो ये देखा माउथ पार्ट एक्चुअली में जो इसका होता है बाइटिंग और चुइंग टाइप का प्रोसेस का, इसमें जो है वन पेयर एंटीना होता है जो सेंसरी रिसेप्टर है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का काम करता है, इसमें जो है हेड में वन पेयर क्या होता है कंपाउंड आई होती है, और ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ओमेटीरिया होती है, ये इसमें लंबाई अबाउट 2000 ओमेटीरिया है। इसमें हमने बताया था ये मोजैक क्या होता है, विजन होता है, क्योंकि इसमें मोर सेंसिटिव और लेस रिजोल्यूशन पावर होता है, जिसकी वजह से इसमें ये मोजैक विजन होता है। ये हाइपोगैंथस होता है, क्योंकि इसको पोजिशन या ये आपने देखा कॉर्नियल या कॉन्सियल्स इसको बोल सकते हैं, कॉन्सियल्स हेड होता है। तो देखा आपने हाइपोगैंथस है कॉन्सियस, ओके। तो ये इसका हेड है, हेड के अंदर देखिए कंपाउंड आई एंटीना, ओके। देखिए अब हम लोग अभी बात कर रहे थे हेड की, अब इसके बाद आता है थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स में देखा आपने मेल और फीमेल जो काकरोच है, इसका थोरेक्स मेनली अगर देखा तीन जो है मेन रीजन होते हैं, एक प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और थोरेक्स में क्या होता है भाई, तो जो भी अपेंडेजेस लगे होते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस, जैसे कि आपने देखा लेग्स, ये विंग्स, ये थोरेक्स पार्ट से होते हैं, एब्डोमेन है थोड़ा दूर, लेकिन थोरेक्स में देखिए सेकेंड जो पार्ट है इस बॉडी का ये है थोरेक्स। क्या है थोरेक्स, थोरेक्स में अभी हमने बताया कि इसके थोरेक्स में थ्री सेगमेंट होते हैं, और थ्री सेगमेंट में दो चीजें, एक तो हमने बताया था इसमें विंग्स होता जो टू पेयर्स होता है, ये विंग्स इसमें होता है टू पेयर्स होता है, एक नाम बताया क्या होता है लेग, यानी फूट जिसको बोलते, ये इसमें थ्री पेयर्स होता है मीन्स सिक्स होता है, इसीलिए तो इसको हेक्सापोडा कहते हैं। तो ये थोरेक्स के तीन जो सेगमेंट है ये है, इसको दोनों को मिला के इसको बोला ये है थोरेसिक, ये क्या है एपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं भाई थोरेसिक अपेंडिजेस। और ये थोरेसिक अपेंडिजेस की बात है विंग्स और लेग्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए विंग्स, विंग्स चाहे मेल हो या फीमेल का आक्रोश, विंग्स तो टोटल टू ही पेयर होते हैं। और ये कैसे होते हैं देखा आपने, ये है बॉडी के सेगमेंट, एक है प्रोथोरेक्स, एक मीसोथोरेक्स, और ये है मेटाथोरेक्स। क्या है मेटाथोरेक्स, तीन सेगमेंट, यानी थोरेक्स के तीन रीजन, प्रोथोरेक्स मीजोमेट, इसमें टू पेयर्स होता है, यानी कि वन पेयर तो मीसोथोरेसिक में होता है, वन पेयर मीसोथोरेसिक में होता, वन पेयर मेटाथोरेसिक में होता है, वन पेयर मेटाथोरेसिक में होता है, वन पेयर मीजो में, वन पेयर मेटा। इसमें देखा प्रोथोरेक्स में क्या नहीं होता है, नो विंग्स, इसमें कोई विंग्स नहीं, प्रोथोरेक्स में कोई विंग्स नहीं। अब ये विंग्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए टू पेयर्स में वन पेयर मीजो में होता है, वन पेयर मेटा,
तो ये जो ऊपर वाला होता है मीजोथोरैक्स, तो इसका नाम तो आपने देखा, इसको मीजो थोरैसिक विंग्स, क्या बोले, मीजो थोरैसिक विंग्स, या इसका नाम आपने देखा फोर विंग्स भी बोलते, फोर विंग्स। और ये इतना थीक और लेदरी होता है कि इसको ढके रहता है, इसलिए इसका एक नाम आया है जो कई बार आ चुका है नेट में, टेगमाइना। इसी को टेगमाइना या इलिट्रा बोलते हैं। और ये जो होता है ये है हाइंड विंग्स, और ये मेटा में होता है, इसलिए इसका नाम मेटाथोरेसिक, क्या है, मेटाथोरेसिक विंग्स। तो ये मेटाथोरेसिक विंग्स है। और ये बता रहे थे कि ये जो प्रोथोरक्स के विंग्स है, ये आर्टरी विंग्स की बात कर रहे थे, ये विंग्स जो है थीक होता है एंड लेदरी होता है। और थीक लेदरी होने से क्या होता है, इट कैन नॉट फ्लाई, इसलिए इसको फ्लाई नहीं कर सकता, इतना मोटा है कि दूसरे वाले को ये ढके रहता है, इसीलिए टेगमाइना होते हैं। ये जो होता है ये थीन मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट होता है, थीन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, थीन मेम्ब्रेनस। और ये हमने बताया था इसके लिए ये क्या होता है, कैन फ्लाई, इतना पतला होता है कि ये इससे जब कभी डेंजरस कंडीशन होता है तो इसका यूज करके फ्लाई कर सकता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कॉकरोच हैज ओनली टू पेयर विंग्स, वन पेयर इन मीजोथोरेसिक, दैट इज आपने देखा थीक एंड लेदरी, इट कैन नॉट फ्लाई, और इसका नाम भी देखा आपने, इसका नाम क्या है, टेगमाइना, या इसी का नाम इलिप्ट्रा भी होता है, यह इलिप्ट्रा या इसी को नाम देख इलिप्ट्रा भी बोलते हैं। और ये हाइंड विंग्स है, ये थीन लेदरी होता है, थीन होता है, और ये मेम्ब्रेनस है, ट्रांसपेरेंट है, ये इट कैन फ्लाई, ये फ्लाई कर सकता है। तो ये आपने देखा ये गुड रनर है, पुअर फ्लाइटर है, बहुत कम उड़ता है, तो ये रहा विंग्स के लिए। सेकंड देखिए जो पॉइंट है जिसका नाम हमने बताया, इसमें क्या लगा होता है, लेग्स, और लेग्स इसमें क्या है, थ्री पियर्स यानी सिक्स लेग होते हैं, जिसको हेक्साकोडन बोलते हैं। और ये सिक्स लेग्स कौन से हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉडी के ये थोरेक्स रीजन है, जिसमें ये प्रोथोरेक्स है, ये मीजोथोरेक्स है, और ये क्या है, मेटाथोरेक्स। ये वन पेयर पर थोरेसिक विंग्स, सब में एक एक पेयर विंग्स होते हैं, देखिए वन पेयर ईच थोरेसिक विंग्स, सब में एक एक पेयर होते हैं, देखिए ये सिगमेंट इसमें फाइव होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एक एक में फाइव सेगमेंट होते हैं, एक एक लेग में फाइव सेगमेंट होते हैं। तो अब देखिए ये क्या है कि अभी नाम बता रहे कि सिक्स होते हैं, यानी ये भी नाम बताया कि कॉकरोच हैज थ्री पेयर लेग्स, यानी सिक्स लेग्स, एंड ईच लेग कंसिस्ट ऑफ फाइव पार्ट या पोडोमियर्स, या क्या बोलते हैं भाई, पोडोमियर्स, फाइव पार्ट होता है, जिसका एक कोड होता है सी टी एफ टी टी, इसका क्या कोड है, सी टी, यानी इसमें तो टोटल सिक्स लेग होते हैं, एक लेग में कॉकरोच के फाइव सेगमेंट होते हैं, फाइव पार्ट होते हैं, और जिसका नाम देखा सी टी एफ टी टी, यानी सी टी एफ टी टी, याद करिए ये फाइव पार्ट में पहला जो सी आता है इसको क्या बोलते हैं, कॉक्सन, और ये टी से जो होता है उसका नाम क्या है, ट्रोकेंटर, और एफ से जो होता है ये क्या है, फीमर, और ये है टिबिया, और ये टी से क्या है, टार्सस, क्या है, टिबिया टार्सस, सी टी एफ टी टी।
इसमें ये जो होता है इसका जो पार्ट होता है ये जो है स्वालिन होता है, बेसल जो पार्ट होता है ये स्वालिन होता है, थोड़ा स्वेलिंग करता है, खुला होता है। और इसमें देखिए फीमर है, टिबिया है, इसको लॉन्गेस्ट बोल लेते हैं, लॉन्गेस्ट होता है। और टार्सस में देखा ये है, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं ये कार्पोस का जो है, अगर एक लेग्स है, एक ही लेग है, तो इस लेग में देखिए इस तरह, पहले देखिए ये स्वालिन पार्ट सी कॉक्सा, फिर क्या होता है प्रोकैंटर सी टी, देखिए सी टी या टी टी, या क्या है टी टी, यानी क्योंकि यहां पर इस तरह से लैंटुली होता है और ये एरोलियम होता है, जो दोनों साइड में इसमें लेग्स में क्ला होता है जो दोनों साइड से लगा होता है, ये एरोलियम है। तो ये नाम आपने बताया सी से क्या है कॉक्सक, टी से क्या है ट्रोकेंटक, एक यफ से क्या है फीमर, देखा आपने ये क्या फीमर, और टी से क्या है टिबिया, और ये जो है आपने बताया ये इसको ये है टार्सस। तो फाइव पार्ट होगा। इसमें देखा आपने ये जो नाम बता रहे ये है प्लैंटुली, ये फोल्डिंग करती है, इन ज्वाइंट होता है, इसमें फोल्ड करके बैठ जाती है, ये सब मिला के टार्सस का नाम बताया। ये जो होता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं एरोलियम। और ये एरोलियम जो है एक स्टिकी लाइक सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जब स्मूथ सरफेस पे चढ़ना होता है या किसी दीवार पे चढ़ना होता है तो इसी की हेल्प से, क्योंकि ये स्टिकी लाइक सब्सटेंस है जो उस पे ये वार पे ये चिपकते हुए ऊपर चला जाता है, यानी ये इसमें हेल्प कर रहा है लोकोमोशन। और ये दोनों साइड में क्या होता है क्ला होता है। तो ये जो नाम बता रहे थे कि यहां पर ये क्ला भी होता है, और इस तरह से देखिए ये जो हमने बताया इंपॉर्टेंट स्वालिन पार्ट, ये क्या लॉजिस, तो ये जो है लेग्स वे। तो इस तरह से कॉकरोच का ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक नाम बताया कि कॉकरोच इस क्या है गुड रनर है, क्योंकि फसोरियल हैबिट के गुड रनर है, एंड पुअर क्या है फ्लाइट, ये दौड़ सकता है, वो देखिए काफी स्मार्ट है, इसका लिप स्टिकी काफी स्ट्रांग होता है। बहुत लोग कौवा बिरयानी खाते हैं उसको पोलियो भी मार देता है, ये कभी कॉकरोच बिरयानी खा के देखो, काफी इसका जो लेग होता है लेग पीस काफी स्मार्ट होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये हमने बताया कि कॉकरोच की बात कर रहे थे और ये दौड़ सकता उड़ सकता, तो ये देखिए गुड रनर एंड गुड आपका पुअर फ्लाइटर है। अब देखिए अभी बात कर रहे थे इसका थोरैक्स, तो इसमें विंग्स भी है और लेग्स, क्लियर है। तो ये थोरैसिक अपेंडिजेस की बात करें, विंग्स टू पेयर है जिसमें देखा आपने प्रोथोरैक्स में ऑप्शन था, और मीजो और मेटा में, और इसमें आपने देखा ये लेग्स में सिक्स थ्री पेयर्स, और थ्री पेयर्स में भी आपने देखा सी टी या टी जी, सी टी और क्या टी टी एरोलियम भी था। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, थोरैक्स के बाद जो आता है ये है एब्डोमेन, क्या है एब्डोमेन। तो कॉकरोच में टोटल एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, टेन सेगमेंट, कॉकरोच के एब्डोमेन में टेन सेगमेंट होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेल जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिक फीचर, इसी साथ है, इसके पहले मीट में भी आ चुका है, जैसा कि आप एनल स्टाइल के नाम सुने, मेल जहां भी रहता है ये अपना स्टाइल दिखाता है, एनल स्टाइल है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, ये आप देखिए और मेल में ही होता है। तो आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस है, पहले आप देखिए ये है मेल और ये है फीमेल, मेल एंड फीमेल। फर्स्ट देखिए जो नाम बता रहे थे कि जो मेल कॉकरोच होता है इसका एब्डोमेन जो होता है नैरो होता है, फीमेल का जो एब्डोमेन होता है ये ब्रॉडर होता है,
अब देखिए इसमें नैरो एक बात, इसमें जो मेल में एब्डोमेन के जो बता रहे हैं जो विंग्स होता है ये काफी पीछे तक होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, पीछे तक निकला होता है। देखिए विंग्स जो है एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, जबकि फीमेल में जो एब्डोमेन जो विंग्स होता है इक्वल टू एब्डोमेन, इक्वल टू एब्डोमेन एकदम जो है इसके इक्वल है सिमिलर। अब एक तो आपने अभी डिफरेंस देखा कि इसमें नैरो क्या है एब्डोमेन, इसमें विंग्स क्या है, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी विंग्स जो होता है ये देखा एब्डोमेन के पीछे तक होता है, और ये फीमेल में देखिए ये इक्वल टू एब्डोमेन, क्योंकि इसमें कैसा होता है ब्रॉडर, इसका जो एब्डोमेन होता है ये ब्रॉडर एब्डोमेन होता है, और ये नॉर्म नाम बताया कि विंग्स आर इक्वल टू एब्डोमेन, ये जो विंग्स है विंग्स आर इक्वल टू एब्डोमेन, एकदम एब्डोमेन के क्या होता है इक्वल होता है, यानी एब्डोमेन की एकदम देखिए समान होता है सामने होता है एकदम मिलता जुलता। अब देखिए दोनों में एक डिफरेंस है, सेकंड कि मेल जो होता है एब्डोमेन नैरो होता है, और 9, 8, 7, 6 इसमें जो है जो 10th होता है ये बाइलोब्ड होता है, और 1 pair एनल सरसाई होती है जो मेल और फीमेल की बात है दोनों में होता है, ये सर्कस पे चौराहे पे डांस करता है। फीमेल में देखा है एब्डोमेन ये नैरो की बात करें इसमें भी बाइलोब्ड जो है 10th एकदम है ये एनल सरसाई, देखा आपने एनल सरसाई काफी स्मार्ट। आप देख रहे इसमें मेल में जो होता है 9th स्टर्नम से एनल स्टाइल 1 pair अराइज होता है जो काइटिनस होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस, पहले तो दोनों का कॉमन ये है जो 10th टर्गम ये क्या होता है दोनों का बाइलोब्ड होता है, दोनों का होता है बाइलोब्ड होता है, देखिए 10th टर्गम बाइलोब्ड होता है, और दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में 1 pair एनल सरसाई होता है, ये सेंसरी है हियरिंग ऑर्गन का काम करता है, ये कार्डोटोनल ऑर्गन है भाई, ये सुनने का काम करेगा ईयर का काम करता है हियरिंग का काम करेगा, और दोनों ये काम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेल जो होता है ये हमेशा स्टाइल देता है, हमेशा मेल जो है स्टाइल दिखाता है, मेल में 1 pair क्या होता है एनल स्टाइल होता है, ये काफी स्मार्ट होता है इसका एनल स्टाइल, ये 1 pair एनल स्टाइल मेल होता है जो क्या शो कर सकता है एसटीएफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिक फीचर्स, और ये जो फीमेल है इसमें क्या होता है कि ये 9, 8, 7 जो 7 segment है ये बोट शेप होता है, 7 जो सिगमेंट है ये बोट शेप होता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं है, तो ये जो है फीमेल के लिए देखा आपने 7 जो स्टर्नम है 7th स्टर्नम ये कैसा होता है भाई बोट शेप, 7th स्टर्नम कैसा होता है बोट शेप होता है। अब देखिए दोनों में क्या फीमेल में तो मेल का जो एब्डोमेन है नैरो है, फीमेल का क्या है ब्रॉडर, मेल में रिंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन काफी पीछे तक जो है फैला होता है, फीमेल में क्या इक्वल टू एब्डोमेन एकदम बराबर होता है, ये देखिए मेल में जो है 9th स्टर्नम से एनल स्टाइल यहां पर अराइज होता है, जिसको हम ये देखिए इसके पहले नीट पा चुका है, जिसको हम कार्डल ये देखिए कॉडल स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे होता है, क्योंकि इसके पहले ये देखा आपने नीट में आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये देखिए दोनों में कॉमन है 10th टर्गम दोनों बाइलोब्ड है एनल सरसाई दोनों में हियरिंग ऑर्गन है ईयर का काम करता है, लेकिन इसमें 9th स्टर्नम में इसमें 7 जो होता है ये बोट शेप होता है,
तो दोनों का देखे, ये भी देखा फीमेल में ये क्या शो कर सकता है, एस्ट्रियल सेक्सुअल डायमॉर्फिक फीचर्स, यानी मेल फीमेल का देखा। तो इस तरह से हमने बताया कि ये जो एब्डोमेन है, मेल हो या फीमेल है, टोटल सेवेंथ होते हैं, इसमें इसके एब्डोमेन में कोई एंडोस्पेक्टर नहीं होता है, और मेल में हमेशा एरर स्टाइल होता है जो नाइन्थ स्टर्नम से अराइज होता है, फीमेल में सेवेंथ जो स्टर्नम है बोर्ड से होता है। और इस तरह से आपने देखा कि ये काफी स्मार्ट, तो यह भी बात कर रहे थे हेड थोरैक्स एब्डोमेन की। अब इसकी बात करेंगे एनाटॉमी यानी सिस्टम की बात करेंगे, और ये सिस्टम फर्स्ट जहां शुरू होता अब वो देखें, लेकिन ये जितने हमने बताए थे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से ही कई बार नीट आ चुका है। तो आप देखें नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो आज की सेवा समाप्त करें, फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी का सिस्टम। ओके, जय हिंद, जय भारत।